वेलकम टू माय चैनल अकील फैशन डिज़ाइनर। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको पजामे की कटिंग करना सिखाऊंगा, जो हमारा पॉकेट वाला पजामा होता है। तो हम उसको इसमें आपको उसकी कटिंग बताएंगे दोस्तों। तो करीब 6 साल से लेकर के 10 साल के बच्चे की आप कटिंग कर सकते हैं इस फार्मूले से जो मैंने आपको बताया है इसमें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और दोस्तों, मैं ऐसी लेडीज़ और जेंट्स की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो लाता रहता हूं आपके लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें करीब 1.25 मीटर कपड़ा लगेगा, यानी 175 सेंटीमीटर से लेकर 180 सेंटीमीटर तक कपड़ा ले लें आप। तो ये 30 इंच लंबाई है, मैं साथ में नाप भी बताता हुआ चलूँगा आपको। तो 30 इंच लंबाई है इसकी और 24 इंच कमर है और करीब 11 इंच मोहरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी चौड़ाई को फोल्ड डबल कर लिया है इसको। अब ये देखिए, सबसे पहले हम नेफे के लिए जो लास्टिक डालेंगे उसका हम 2 इंच छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमें 2 इंच मार्जिन छोड़ दिया है उसके लिए। अब ये देखिए, हम आसन का निशान लगाएंगे। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आसन में आकर होती है, कितना आसन रखें। तो इसकी इसके लिए हम आसन रखेंगे 9 इंच। 24 इंच कमर है तो हम इसकी इस पैजामे के लिए 9 इंच आसन रखेंगे। अगर 20 इंच कमर है आपकी तो आप 8 इंच आसन रखेंगे। अगर आपकी 22 इंच कमर है तो आप 8.5 इंच रखेंगे। और आपकी 26 इंच कमर है तो आप 9.5 इंच रखेंगे। और 28 इंच कमर है तो 10 इंच आसन रखेंगे, ठीक है। तो इसकी 24 इंच कमर है तो इसका मैं 9 इंच आसन रख रहा हूँ। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो आप दोबारा से बैक करके मेरी वॉइस को सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अब उसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसका मैंने आसन का निशान 9 इंच का लगाया है, 24 इंच कमर है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से घटा बढ़ा सकते हैं। तो 30 इंच लंबाई, 30 इंच का ये लगा दिया है मार्जिन हमने। उसके बाद करीब 1.5 से लेकर 2 इंच तक आप मार्जिन नीचे मोहरी में मोड़ने के लिए रख सकते हैं। तो मैंने 1.5 इंच का छोड़ा है नीचे। तो अब इनको हम स्ट्रेट कर लेंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखिए फंटी की हमारी, ये देखिए ये साइड होती है। तो हम जब इस पर निशान लगाते हैं तो निशान हमारे टेढ़े ना हो जाएँ, ये देखिए आड़े ना हो जाए। तो हम यहाँ से मिलाकर रखें, किनारे से बिल्कुल मिलाकर रखेंगे तो फट्टी तिरछी ना हो, इस तरीके से सीधी रखें। तो ये साइड देख लें आप, ये देखिए नीचे जहाँ से मेरा अंगूठा है, इस तरीके से यहाँ से सीधी रखें फट्टी, बिल्कुल भी तिरछी ना हो। अगर आधा सूद भी तिरछी होगी तो हमारा निशान बिल्कुल तिरछा हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखिए दोस्तों, सीधी रखेंगे फट्टी बिल्कुल। तो इन हम मार्क को, हम मोहरी वाले मार्क हैं, इनको स्ट्रेट कर लेंगे। तो दोस्तों, अब ये देखिए आसन वाला है हमारा, तो ये हमने 9 इंच का लगाया था ऊपर, 24 इंच कमर है, ठीक है। तो अब ये अगर आपकी कमर ज़्यादा या कम है तो आप दोबारा से मेरी वॉइस को सुन सकते हैं, मैंने कितना बताया आपको। और मैंने आई बटन में अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है आपको। तो दोस्तों, अब ये देखिए इसकी थाई कितनी रखेंगे, 24 इंच कमर है तो 24 का हाफ होता है। सबसे पहले आप ये देखिए किनारा छोड़ेंगे, ठीक है। किनारा छोड़ करके आप मार्क लगाएंगे तो 24 इंच का आप जो एक चौथे भाग होता है 6 इंच। तो 6 इंच में हम 4 इंच और ऐड करेंगे तो बन जाता है 10 इंच, ठीक है। तो इसमें हम 10 इंच रखेंगे किनारा छोड़ करके, जितनी भी कमर होती है उसमें 4 इंच ऐड कर लें तो उसका जितना भी बनता है उतना हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, तो ये हमारी 24 इंच कमर है तो 24 का 1/4 करेंगे तो 6 इंच बनता है। और 6 इंच में हम 4 इंच और जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा 10 इंच हो जाएगा। तो हम इसमें 10 इंच का मार्क लगाएंगे। मगर ये जिसका पजामा है तो उसने थोड़ा लूज मांगा है, थोड़ा ढीला पजामा मांगा है, तो उसके लिए हम करीब 10.5 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। आप इसमें 4 इंच ही ऐड करें। अगर आप ज़्यादा खुला पहनना चाहते हैं तो हम 4.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं 10.5 इंच का मार्क लगाऊंगा इस तरीके से, आप ध्यान से देखें। तो यहाँ से हम करीब 10.5 इंच का मार्क लगाएंगे किनारा छोड़ करके। तो किनारा छोड़ के ये देखिए मैं 10.5 का लगा रहा हूँ, आप चाहें 10 का भी लगा सकते हैं तो सही आएगा पैजामा। तो ये जिसका पैजामा है ये, तो उसको थोड़ा ढीला पैजामा चाहिए तो हम उसका 10.5 इंच का निशान लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। किनारा छोड़ करके मैंने 10.5 का लगाया है। अब यहाँ 1.5 इंच बैक लगाएंगे तो 10.5 वाले से 1.5 इंच बैक करेंगे, वो भी हम मार्क लगा दिया है हमने 1.5 इंच वाला। अब उसके बाद ये देखिए 10.5 का हाफ करेंगे हम, ठीक है। 10.5 का हाफ होता है 5.25 इंच। तो ये देखिए दोस्तों, उसके बाद अभी मैं आपको बताता हूँ 5.25 इंच ये हम इसको सीधा कर लेंगे 1.5 इंच वाले को। अब जो हमने आगे किनारा छोड़ करके 10.5 का निशान लगाया था उस 10.5 का हम हाफ करेंगे तो बनता है 5.25 इंच यहाँ से यहाँ तक। ध्यान से समझने की कोशिश करें तो 5.25 इंच का एक मार्क लगाएंगे। ये मैं क्यों लगा रहा हूँ अभी बताऊँगा आपको। तो ये देखिए इसका 5.25 इंच हो गया, ठीक है, किनारा छोड़ के। तो अब दोस्तों ये देखिए, तो ये हमारा 5.25 इंच बन जाता है यहाँ से यहाँ तक। एक बार समझ ले दोस्तों, यहाँ से जितना भी होगा उसका हाफ करेंगे आप, ठीक है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक नाप को देख लेंगे कितना आ रहा है, तो ये 5.5 आ रहा है, ठीक है।
तो अब ये देखिए 5:30 यहाँ पर आ रहा है, तो हम अब नीचे को जाएंगे मोहरी की साइड में। तो जितना ये 5:30 आ रहा है किनारा छोड़ करके, तो यहाँ भी हम किनारा छोड़ करके दोस्तों ये देखिए 5.5 इंच का निशान लगाएंगे, जितना हमारा हाफ ऊपर बन रहा था यहाँ के मुकाबले, यहाँ के मुकाबले यहाँ ये देखिए इसके हिसाब से यहाँ 5.5 था, उसका हाफ करने के बाद ये 5.5 है यहाँ पर किनारा छोड़ के, तो अभी हम यहाँ भी 5.5 रखेंगे। ठीक है, अब इसकी मोहरी 11 इंच है दोस्तों, 11 का आधा हो गया 5.5 और 5.5 का आधा हो गया 2.75। ठीक है, तो मोहरी का 1/4 करेंगे यहाँ पर हम। ध्यान से समझिए मेरी बात को, बिल्कुल सही फार्मूला बता रहा हूँ आपको मैं। तो मोहरी आप चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं, जितनी मोहरी हो आपकी, तो मोहरी का 1/4 तो 2.75। ठीक है, तो यहाँ से 1/4 लगाएंगे जितनी मोहरी है, तो ये 2.75 बन रहा है 11 का 1/4। अब फिर उसके बाद आगे के लिए फिर से हम 2.75 का लगाएंगे, तो ये देखिए 2.75 हो गए 5.5। तो मोहरी 11 इंच है, तो 11 का हाफ 5.5 टोटल हो गया। ये देखिए इस तरीके से 5.5 इंच हो गया। ठीक है, तो जितनी भी मोहरी है आप उसका 1/4 करेंगे, और ये हाफ जो निशान लगाया है उसके दोनों ओर से आप उसका 1/4 लगा देंगे। ठीक है, आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं अगर समझ में ना आए। अब ये देखिए सेब पट्टी लगा लेंगे हम, जो हमने ऊपर लगाया था, और ये देखिए मोहरी वाले निशान को हम मिला देंगे इसको। तो दोस्तों ये करीब, ये देखिए मैं करीब 8 साल के बच्चे का करीब पजामा काट रहा हूँ, करीब 8 साल का होगा ये, जिस बच्चे का पजामा है ये। तो इसी फार्मूले से आप करीब 6 साल से लेकर के 10 साल के बच्चे तक का पजामा काट सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से मार्क सीधे कर लेंगे देखिए सेब फंटी से। अब ये देखिए इस तरीके से हम एक मार्क करेंगे, और ये देखिए इसको इस तरीके से कर देंगे। आप चाहें आप भी आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों अब हम इसकी कटिंग शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी भी नए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी लेडीज़ और जेंट्स की दोनों की ही कटिंग और स्टिचिंग लेकर के आता हूँ और आता रहता हूँ, और इंशाल्लाह आता ही रहूँगा। सिर्फ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, तो आपके लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है दोस्तों। बस आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप ज़रूर लाइक किया करें हमारे वीडियो को दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों अब इस तरीके से हमारे साइड से ये कपड़ा बच रहा है, ये देख लें आप। तो अब ये देखिए इस तरीके से हम दूसरी साइड की भी कट कर लेते हैं, जो हमने मार्क लगाया था इसका। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। तो आप इस तरीके से 6 साल से लेकर के, यानी ऐसे मान लीजिए 20 कमर से लेकर के 28 कमर तक का मैंने फार्मूला बता दिया है आपको। तो अब ये देखिए हम बैक काटेंगे, और हम इस तरीके से ये देखिए हम ये दो पल्ले ले लिए हैं बैक काटने के लिए हमने, तो सही से बिछाएंगे। अब ये देखिए देखने वाली बात, आप ध्यान से देखें। अब ये देखिए मोहरी पर हम किस तरीके से रखेंगे यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों यहाँ से मिलाएंगे पहले बराबर से, और एक हाथ रखेंगे यहाँ पर, ये देखिए हथेली रखेंगे और ऐसे देख लेंगे। ये देखिए मोहरी जहाँ बैठेगी वहीं रखेंगे इस तरीके से, बीच में प्लेट नहीं पड़ना चाहिए, ये देखिए इस तरीके से छोड़ देंगे। तो जहाँ हमारी मोहरी बैठ रही है दोस्तों वहीं बैठने दें, आड़ा तिरछा ना करें। ये देखिए अगर इस तरीके से रखेंगे तो बीच में आपको पता लग जाएगा मोहरी गलत रखी है, अगर आप आगे को रखेंगे तो भी आपको बीच में पता लग जाएगा। तो आप इस तरीके से रख कर ये देखिए पकड़ के छोड़ दें, ये देखिए तो जहाँ बैठती है हमारी खुद अपने आप वहीं गिरेगी हमारी मोहरी। तो मैं आपको मेरा जितना अनुभव है, जो जो मुझे आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों अच्छी तरीके से। तो आप मेरे फार्मूले से कटिंग करेंगे दोस्तों, आपका पैजामा बहुत ही परफेक्ट आएगा। तो इसमें हिप का कोई हिसाब नहीं है, मैंने सर कमर के हिसाब से ही आपको बता दिया है सारा फार्मूला। तो ये देखिए फ्रंट के दो पल्ले पकड़ेंगे, अब हम नीचे से निशान लगा देंगे। तो ये हमारे बैक पल्ले पर भी निशान लग गए मोहरी मोड़ने के लिए। तो अब ये देखिए यहाँ से हम करीब 1.5 इंच आगे के लिए निशान लगाएंगे, ये देखिए ये 1.5 इंच का निशान है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच का है। तो दोस्तों ये देखिए, तो इसको भी हम ये देखिए स्ट्रेट कर लेंगे ये आसन वाले निशान को बैक के ऊपर। तो ये देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा हम बैक पर कितना रखेंगे आसन के पास, पहले आप ऊपर देख लीजिए दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर हम अभी बता रहा हूँ आपको मैं, तो यहाँ से यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ कितना रखेंगे। तो यहाँ से रखेंगे आप 2.5 इंच। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच रखेंगे। अगर कमर आपकी 20 या 22 है तो आप 2 इंच भी रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं 2.5 इंच रख रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने 2.5 इंच का मार्क कर दिया है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ये देखिए। तो अब ये देखिए इसको भी हम सेब फंटी से इस मार्क को लगाएंगे। ये देखिए हमने मोहरी वाला 1.5 इंच का लगाया था हमने, तो उससे मिला करके हम ऊपर जो हमने 2.5 इंच का लगाया है आसन के पास, तो हम इन मार्क को मिला देंगे इस तरीके से सेब फंटी रखेंगे। आप चाहें तो सीधी फंटी भी लगा सकते हैं, मगर मैं सेब फंटी लगा रहा हूँ, सेब फंटी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो आप सही से पकड़ेंगे इसको, जिस तरीके ये बिल्कुल आड़ा तिरछा ना हो। अब ये देखिए दोस्तों, अब ये देखिए यहाँ से ये देखिए अब हमारा ये दोनों रख चुके हैं सही तरीके से।
तो अभी देखिए यहाँ कितना रखेंगे, आप यहाँ का फार्मूला भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप 2 इंच रखेंगे, अगर आपकी 22-20 कमर है तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 इंच रख रहा हूँ, इस तरीके से 2 इंच रख लिया है दोस्तों मैंने। और ये देखिए करीब, ये देखिए तिरछा निशान लगाएंगे यहाँ पर। अब ये देखिए करीब 1.5 इंच ऊपर के लिए इस तरीके से तिरछे में 1.5 इंच का लगा दिया मैंने ऊपर को। तो यहाँ से आप ऊपर से गोलाई दे देंगे 1.5 इंच वाले से मिला करके, ये देखिए। तो दोस्तों ये देखिए अब इसकी कटिंग शुरू कर देंगे हम। तो दोस्तों अगर आपका इससे छोटे साइज का है तो आप यहाँ पर ये देखिए मैंने बैक 2.5 रखी है, तो आप 2 इंच बैक रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे इसको, हमने बैक भी काट चुके हैं दोस्तों इसकी। यहाँ से आप थोड़ा तिरछा काटें बाहर की ओर करीब 2 सूद बाहर के लिए, ठीक है, बैक में भी और फ्रंट में भी। तो ये दोस्तों ये देखिए इसकी कटिंग हो चुकी है। तो ये देखिए दोस्तों अब मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है अपना, आई बटन में जाकर आप व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं, वहाँ से कमेंट मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। ये देखिए हमारा पजामा कट चुका है दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे पॉकेट कितने इंच पे लगाएं, कितना सब कुछ बताऊंगा पॉकेट के बारे में। पहले आप ये देख लीजिए, कुछ लोग यहाँ से नैरो पजामा मांगते हैं, यहाँ से थोड़ा ढीला हो जाता है हमारी, ये देखिए। तो हम यहाँ से थोड़ा सा निशान के बाद क्रॉस और दे सकते हैं, थोड़ा और कपड़ा काट लें यहाँ से 1/2 इंच करीब। तो ये देखिए यहाँ पर हम कट लगा देंगे, ये हमारे बैग की हमारी पहचान रहेगी, ये बैग पल्ले हैं हमारे, स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ सिर्फ मैं, वैसे तो पता लगता रहता है। उसके बाद ये 2 इंच के बाद 1/2 इंच का, ठीक है, ये 1/2 इंच का ये साइड पॉकेट के लिए बता रहा हूँ मैं, 1/2 इंच फिर 1/2 इंच। अब ये देखिए 5 इंच, अगर इससे छोटा साइज है तो 4.5 का है और इससे बड़ा साइज है तो 5.5 का लगाएं, तो मैं 5 इंच का लगा रहा हूँ, ठीक है। नेफ का 2 इंच, फिर 1/2 इंच, फिर 1/2 इंच और फिर 5 इंच। ये देखिए 2 पल्ले पकड़ेंगे, ये कट लगा देंगे, ये हमारा पॉकेट लगेगा, यहाँ से रखेंगे पॉकेट को। तो ये हमारा पजामा कट गया है दोस्तों। अब हम आपको ये बताएंगे पॉकेट कितने चौड़े कितने लंबे काटेंगे। तो पॉकेट देख लीजिए कैसे काटते हैं दोस्तों। तो ये देखिए मैंने कपड़े को डबल कर लिया है, तो इस साइज में हम करीब ये देखिए 11 इंच लंबे पॉकेट रखेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा बड़ा साइज है तो आप 12 इंच रख सकते हैं। अब ये देखिए चौड़ाई आप कितनी रखेंगे, तो चौड़ाई आप समझ लें, इस जो मैं इस साइज़ का बता रहा हूँ 24 साइज में हम यहाँ से नीचे से करीब 5 इंच से लेकर 5.5 इंच तक चौड़ी रख सकते हैं जेब। ये देखिए यहाँ पर तो मैं 5.5 रख रहा हूँ, यहाँ पर 5 भी रख सकते हैं आप, सॉरी मैं यहाँ पर 5 रख रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने 5 इंच रख दिया है, ठीक है। अब ये 11 इंच लंबाई रखूँगा इसकी पॉकेट की मैं, अगर इससे छोटा साइज है तो आप 10 इंच लंबी जेबें रख सकते हैं लंबाई, और उससे ज़्यादा साइज है तो अपना आप लंबाई बढ़ा सकते हैं, छोटा साइज है लंबाई घटा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 5 मैंने ऊपर 5 इंच रखा है, ठीक है, और नीचे 5.5, ये देखिए दोस्तों। तो अभी देखिए इस तरीके से हम इसको गुलाई दे देंगे करीब 1.5 इंच ऊपर के लिए, और इसको हम कट कर देंगे। तो ऊपर मैंने 5 रखा है, नीचे 5.5, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पॉकेट को कट कर दिया दोस्तों। तो कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।